बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रात को बर्तन साफ न करना और बगैर बर्तन धोए सो जाना कैसा है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि तकरीबन हर औरत के जहन में खटकता है। और इस बारे में हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं कि अगर रात के बर्तन रात को न धोए जाएं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जहन में भी ऐसे सवालात हैं तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि रात को बर्तन न धोने के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या फरमान है और अहादीस के अंदर इस हवाले से क्या तालीमात हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। प्यारे दोस्तों, हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक दिलचस्प तहकीक के बारे में बताते हैं जो कि बर्तन धोने के हवाले से है। याद रहे कि आम तौर पर रोजमर्रा घर के कामकाज में यकसानियत की वजह से इंसान उकता जाता है, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि घरेलू कामकाज खास तौर पर बर्तन धोने को जहनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बायस थके हुए दिमाग को आराम पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ये बात बजाहिर तो अजीब महसूस होती है, लेकिन माहिरीन ने इस बात को तहकीक से साबित किया है। याद रहे कि बर्तन धोने के काम को रिवायती तौर पर उकता देने वाला काम और मशक्कत वाला काम समझा जाता है, लेकिन ये काम दिन के इख्तिताम पर जहनी थकावट दूर करने के लिए एक मुअस्सर तरीके के तौर पर काम कर सकता है। इस बारे में होने वाली तहकीक मुलाहिजा फरमाएं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बात पर तहकीक की गई है कि रोजमर्रा के घरेलू कामकाज करने के दौरान क्या जहनी दबाव और परेशानी का इलाज किया जा सकता है। तहकीक से साबित हुआ, बर्तन धोना मौजूदा लम्हे की सोच और ख्यालात पर तवज्जो मरकूज रखने की एक मशक है या अपनी सोचों से आगाही हासिल करने का एक तरीका है। इस मकसद के लिए की गई एक तहकीक में माहिरीन ने 51 लोगों को लिया, जिन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया और बर्तन धोने से कबल और बाद में शुरका की शख्सियत के मस्बत और मनफी पहलू और नफ्सियाती कैफियत का मुआयना किया गया। तहकीकारों ने एक ग्रुप से कहा कि वो बर्तन धोने से कबल माइंड फुलनेस के बारे में एक पैराग्राफ का मुतालिया करें और बर्तन धोने के दौरान साबुन की बू, पानी की गर्मी और बर्तनों को थामने के एहसास का तसव्वुर करें। इसके बाद उन्हें 18 साफ बर्तन धोने के लिए दिए गए, जबकि दूसरे ग्रुप को बराह रास्त बर्तन धोने के लिए भेज दिया गया। जिन शुरका को ये हिदायत दी गई, उन्होंने अपनी घबराहट पर 27% काबू पा लिया और उनकी जहनी बेदारी में 25% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब जिस ग्रुप ने बगैर हिदायत के बर्तन धोए, उनकी जहनी सतह में कोई फर्क जाहिर नहीं हुआ। मुहक्किकीन ने अखस किया कि रोजमर्रा की जाने वाली मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ होकर माइंडफुलनेस और इसके मस्बत असरात को पैदा किया जा सकता है। साइंसी जरीदे जनरल माइंडफुलनेस में मुहक्किकीन ने बताया कि जिन लोगों ने बर्तन धोने से पहले माइंडफुलनेस की टेक्निक हासिल कर ली थी, उनमें जहनी बेदारी ज्यादा थी और इस काम के लिए उनमें मनफी असरात कम थे, जिसकी वजह से उन्होंने बर्तन धोने में कम वक्त लगाया था। प्यारे दोस्तों, ये तो थी एक तहकीक जो कि आपके साथ शेयर की गई। आइए अब आपको रात को बर्तन न धोने के हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत के बारे में बताते हैं कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के बर्तन न धोने के हवाले से ये फरमाया कि घर में क्या मुसीबत पेश आती है। कहते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती हमारे घर में परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या झूठे बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो।
तो उस औरत ने कहा, मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ करके सोया करो। दोस्तों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि हमें चाहिए कि रात को बर्तन गंदे न छोड़े जाए। अगर इस चीज को साइंस की तालीमात के मुताबिक देखा जाए तो साइंस का भी यही कहना है कि अगर बर्तनों को ज्यादा देर के लिए गंदा छोड़ा जाएगा तो इनमें नुकसानदेह किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और जाहिर बात है कि जब बर्तनों में खाने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी इनमें चलने फिरने का खदशा होता है, इसलिए बेहतर है कि रात के बर्तन को रात ही में धो लिया जाए। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि जिस काम पर आपका जमीर टोके उस काम को छोड़ देना चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमारा जहन रात को बर्तन छोड़ने पर मुतमईन नहीं होता तो क्यों ना रात के बर्तन रात को ही धो लिए जाए, बजाय इसके कि आपके जहन में सारी रात ये खदशा रहे कि बर्तन नहीं धोए, इस वजह से ये होगा वो होगा। और ये भी पक्की बात है कि इंसान का जैसा गुमान होता है तो उसके साथ वैसा मामला भी हो जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि अपना गुमान अच्छा रखा जाए। और अगर रात को गंदे बर्तन छोड़ने पर आपका ये गुमान पक्का है कि आपके साथ इस वजह से कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर रात के बर्तन को रात ही में धो लें। लेकिन अगर आपके जहन में ये बात है कि हदीस में ऐसी कोई बात है तो यहाँ पर यह बात वाज़ह करना बहुत ज़रूरी है कि आप बर्तन धोकर सोते हैं या नहीं, इस बारे में अहदीस की कोई रिवायात सामने नहीं आई। अगर कोई हदीस होती तो हम आपको ज़रूर इस बारे में बताते, लेकिन हदीस में ऐसी कोई बात साबित नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि रात के बर्तन रात को धोने ज़रूरी हैं। अलबत्ता रात को सोने से पहले खाने पीने की अशिया को ढांपने की ताकीद अहदीस में वारिद है, और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें यह सबक मिलता है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांक देना चाहिए। अगर कोई चीज़ न मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दी जाए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। दोस्तों, ये हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात जो कि मुस्तनद रिवायात से साबित हैं, और हमें चाहिए कि इन पर अमल करें। हम दिन में कितनी ही सुन्नतों को कुर्बान कर देते हैं लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं होती, और ऐसी बातें जो हमारे मुआशरे में इधर उधर से दाखिल हो चुकी हैं उनके बारे में हमें खटका लगा रहता है कि कहीं इसके खिलाफ ना हो जाए। हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हर हर सुन्नत में अल्लाह ताला ने हिकमतें छुपा रखी हैं। रात को बर्तन ढांपने के पीछे क्या हिकमत है, इसके बारे में आपको हदीस ही की रोशनी में बताते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसका सबब ये बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और भला नाजिल होती है, और जिस चीज़ का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो इसमें यह वबा उतर पड़ती है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुताबिक ढालें, उन तालीमात पर अमल पैरा हों जो कि हमें कुरान और सुन्नत में दी गई हैं, और जिस बारे में हमें कुरान और हदीस से कोई मुस्तनद चीज़ न मिले तो फिर हमें चाहिए कि उस चीज़ के बारे में हम उलमा और फुकहा हजरात से तसल्ली कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे काम का इर्तिकाब कर रहे हों कि जिस काम की इस्लामी तालीमात में कोई हकीकत ही ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।